इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम के अंदर रियल टाइम शैडोस जो सेटिंग्स रहती है उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट हमारा ये रहेगा कि उस सेटिंग्स को कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इससे हमारा कोई लेन देन नहीं कि यह किस काम में आती है या फिर हम जो ऐसे गेम प्ले करके आपको शैडोज़ वगैरह के बारे में बताएं। तो इतना बड़ी मैं वीडियो नहीं बनाता, छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमारी जो सेटिंग्स है इनेबल डिसेबल से रिलेटेड है। तो अगर आप अब इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो है सेटिंग का साइकन दिखाई देगा आपको छोटा सा कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर गेम के होम पेज पर जाने के बाद, प्ले करने के बाद। तो जैसे आप इस पर जाएंगे तो जाने के बाद सबसे पहले आपको कंट्रोल सेटिंग्स खुलती है, डिफ़ॉल्टली सेटिंग्स को क्लिक करते ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है, मैं आपको दिखाई देता है यहाँ पर आपका ऑडियो एंड ग्राफिक्स की सेटिंग्स तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो बेसिक्स के बराबर में आपको ये जाना होगा और जाते ही यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती है ये वाली सेटिंग, रियल टाइम शैडोज। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो सेटिंग्स है वो एलिजिबल नहीं है। अब इस पर क्लिक करके आप इसको इनेबल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ग्राफिक क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाई डेफिनेशंस का मोबाइल सपोर्ट नहीं है, वरना हाई डेफिनेशंस भी इस पर हो जाती, लेकिन हमें मीडियम पर कर सकते हैं। तो मीडियम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल टाइम शैडोज। तो अब आप इसको बंद करना चाहें या चालू करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगी और चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगी। तो बस इतना सब प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।